दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यहाँ पे IRFC स्टॉक के बारे में। देखिए IRFC के अंदर अभी के टाइम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने कल के सेशन में देखा होगा कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बट दोस्तों यहाँ से स्टॉक 150 रुपए तक जा चुका था, वहां से फिर से हमें प्रेशर दिख रहा है एंड कई रिटेलर्स ऐसे हैं जो अभी के टाइम सेल करने की सोच रहे हैं। अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं तो एक बार वीडियो पूरा देख लेना, इसके बाद आपका डिसीजन रहेगा करना क्या है, ठीक है ना। देखो दोस्तों अभी के टाइम जो ब्रोकरेज है उसकी तरफ से पॉजिटिव अपडेट देखने को मिला है, एक्सपर्ट यही चीज बता रहे हैं। चार्ट का जो संकेत है वो यही कह रहा है कि पिछले देखो 3 महीने से स्टॉक ऊपर नहीं गया है। जो हाई लगे थे यहाँ पे 192.80 रुपए के, वो हमें पिछले 3 महीने फेरे लगे थे, यहाँ से 3 महीने से तो भाई कंटिन्यू स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एंड चार्ट का इतिहास यही कहता है कि स्टॉक दोस्तों लंबा समय कंसोलिडेट में कभी भी नहीं बिता था। इसके मान लो यहाँ से 3 महीने 3.5 महीने बस, इससे कभी भी ये कंसोलिडेट नहीं कर पाया। एंड स्टॉक यहाँ से देखो बड़े प्लेयर्स का कहना है कि यहाँ से 55% की तेजी अभी और देखने को मिल सकती है, 55% की। अब यहाँ से दोस्तों ब्रोकरेज मतलब टोटल अभी के टाइम बुलिश देखने को मिल रहा है, रिटेलर्स की तरफ से पैनिक, मतलब जो रिटेलर उसको पैनिक किया जा रहा है। यहाँ पे डाटा समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। देखो भाई अगर यहाँ से आने वाले 4-5 महीने में दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेट भी करता है, 4-5 महीने भी फिर भी अपने को 50-55% का रिटर्न देता है, तो वो रिटर्न कम नहीं रहेगा। यहाँ से सोचो जिसने 2000 करोड़ रुपये लगा रखे हो ना भाई, उसको तो कम से कम यहाँ पे मान के चलो 1-1.5 करोड़ की कमाई हो जाएगी 6 महीने के अंदर। यहाँ से अगर इस प्रकार जैसे कि ब्रोकरेज बता रहा है उस प्रकार अगर रैली दिखाए तो मेन फर्क पड़ता है क्वांटिटी का। अब हम यहाँ पे देखो 100 क्वांटिटी लेते हैं, 1000 रुपये के शेयर हमने दिए, 6 महीने में अगर 500 रुपये कमाई होती तो हमें 500 कम लगता है, बट भाई हमने खरीदा भी इतना ही है, तो हम क्या करते हैं हम बेचने के सोचते हैं कि भाई इतने रिटर्न के लिए आपको यहाँ पे रुकेगा, तो वो चीज़ है। तो अभी के टाइम देखो डाटा क्या बता रहा है वो आपको समझना है, एंड यहाँ से उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। मेन चीज़ पहले बता दूं मैं, देखिए जो स्टॉक का करंट पी है ना वो 30 का ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से जैसे ये रिजल्ट आएंगे ये पी फिर से डाउन आ जाएगा, एंड पी के अकॉर्डिंग देखो पी का मतलब हो जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे पी किसी भी स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पी हमें बताता है कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है, मतलब हमें महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। तो टोटली भाई करंटली पी सस्टेंस है, पी 30 का इसका मतलब यह है कि सही वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है। एंड जैसे ही रिजल्ट आएंगे ये पी 2-3 पॉइंट यहाँ से फिर से घट जाएगा, थोड़ा दोस्तों यहाँ से 27 का पी फिर से हमें दिखेगा, एंड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें अगेन बाउंस देखने को मिलेगा। देखिए दूसरी चीज IRFC का पी सॉरी जो बुक वैल्यू भी स्टॉक की शानदार रेगुलर यहाँ पे बुक वैल्यू बढ़ेगी, एंड जो स्टॉक का करंटली प्राइस है वो 142 का यहाँ पे नजर आ रहा है। डिविडेंड कंपनी पे करती है साल में एक बार, प्रति क्वार्टर यहाँ पे जल्दी ही पे करेगी, जिससे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंस और अच्छे होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको देखो मैं बताऊँ यहाँ से चार्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखो चीज़ें समझो, यहाँ से समझो आप, ठीक है ना। स्टॉक भाई ये कंटिन्यू कंसोलिडेट करा, अगर मैं बता दूँ किस दिन से यहाँ पे लगाया था इसने हाई, तो भाई ये गया था अराउंड यहाँ से, ठीक है ना, ये गया था यहाँ पे 20 जनवरी को, ठीक है ना। 20 जनवरी से मान के चलो कि कंटिन्यू यहाँ से हमें ये कंसोलिडेट ही नजर आ रहा है। तो 20 जनवरी से देखिए भाई तो फरवरी मार्च अप्रैल और देखा जाए तो दोस्तों 2.5 महीने के आसपास स्टॉक हो चुके हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू कंसोलिडेट करते हुए। तो यहाँ से अगर आप पुराना इतिहास देखोगे तो यहाँ से स्टॉक ने दोस्तों 11 सितंबर से कंसोलिडेट स्टार्ट किया था, एंड स्टॉक दोस्तों कंसोलिडेट किया था उन्होंने यहाँ से ये देख सकते हो दिसंबर तक, ठीक है, और देखो 7 दिसंबर तक यहाँ से 11 से 11 टू 7 दिसंबर तक, और देखा जाए दोस्तों यहाँ पे आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वही कितना 3 महीने के आसपास। तो और बता दूं मैं आने वाले 15 दिन में एक बड़ी तेजी यहाँ से नजर आ सकती है, ये चीज़ आप मेरी ध्यान रखना, क्योंकि चार्ट पैटर्न के संकेत अपने आपको रिपीट करते हैं, ये चीज़ मेरी समझो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर बता दूं मैं, देखो कंपनी की चीज़ ग्रोथ भाई 25+ की यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ है यहाँ पे, जो कि लॉन्ग टर्म वालों की सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। अब यहाँ पे देखो जो है मेन चीज यहाँ से क्वार्टर से जो क्वार्टर फोर के शेयर होल्डिंग पैटर्न वो अभी अपडेट हुई नहीं, बट अगर पिछले क्वार्टर तक अगर अपन देखें FI के पास दोस्तों 1% ज्यादा माल है, DIFI DI दोनों बराबर क्वांटिटी लेके बैठे हैं, ठीक है ना, बराबर दोनों के पास 1.15 1.15, ठीक है। दूसरी चीज रिटेल के पास कितना, तो 1134। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ऑफर्स ला सकती है, बट ऑफर्स के रेट अभी के टाइम अपडेट नहीं किया, बट ऑफर्स डेफिनेटली यहाँ से आएगा, ये चीज समझ लेना, क्योंकि कंपनी के पास प्रमोटर्स के पास 86.36% हिस्सेदारी है यहाँ पे, तो अब ये 75 करेगा, तो ऑफर्स कितने परसेंट पे आए ओवरऑल देखा जाए 11.36% के आसपास ये ऑफर्स यहाँ से ला सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट कौन दिखाएगा FI DI एंड डिटेल्स। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है ब्रोकरेज का कहना कि अभी के टाइम ब्रोकरेज क्या कह रहा है, ब्रोकरेज का व्यू हम समझते हैं। देखिए दोस्तों अपडेट जस्ट आज का है, 17 अप्रैल का ये अपडेट हमें नजर आ रहा है, एंड ये मॉर्निंग का अपडेट, आज रामनवमी की यहाँ पे मार्केट का होलीडे, इस वजह से मार्केट में यहाँ पे बंद देखने को मिल रहा है। देखिए 6 से 8 महीनों में ये स्टॉक दे सकता है 5-5% का रिटर्न, अराउंड 55% तक के बाउंस यहाँ पे नजर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक ने निवेशकों को 1 साल में 415% का रिटर्न दिया है, वही दोस्तों 3 साल में देखा जाए 551% ये बढ़ चुका है, एंड पिछले दोस्तों 3 महीने में देखा जाए तो ये फ्लैट रहा है, मतलब कोई भी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को नहीं मिली है, एंड अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है तो ये बड़ी तेजी का संकेत दे रहा है। देखिए बीते 1 साल में दोनों निवेशकों को ऊंची रिटर्न देने वाला जो स्टॉक सबसे आगे रहे उसमें से एक इंडियन रेलवे एनर्जी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी था, यहाँ पे जो आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी स्टॉक है, एंड बीते 1 साल में दोस्तों स्टॉक ने निवेशकों को 5 गुना पैसा यहाँ पे कर दिया 1 साल के अंदर 500% तक रिटर्न। हालांकि इस तेजी के बाद रेलवे में सुस्ती देखने को मिल रही है, और बीते 3 महीने से देखा जाए स्टॉक सुस्त बना हुआ है, हालांकि बाजार के एक्सपर्ट का मानना है कि भाई स्टॉक में आगे भी बढ़ा देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल स्टॉक में का भाव एक स्तर पर बना हुआ है, एंड यहाँ से दोस्तों हमें आगे का ध्यान देना चाहिए, तो मध्यम अवधि में ही स्टॉक निवेशकों को 55% का तगड़ा रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज बुलिश है एंड चार्ट पर भी बुलिश नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा वेट करने की जरूरत है, क्वार्टर फोर तक वेट कर दीजिए, बड़ी रैली नजर आ सकती है, तो जल्दबाजी ना करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी छूता है, अपडेट्स आपको मिलता है।